हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारी सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इस अनोखी रिवीजन क्लास में जिसमें हम सारे अमेंडमेंट्स को क्विकली रिवाइज करेंगे बिकॉज अमेंडमेंट्स यू नो आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर जुलाई ट्वेंटी वन एग्जाम एंड ऑल द क्वेश्चन विच द इंस्टीट्यूट एडेड इन द स्टडी मटीरियल नोइंग द फैक्ट की नॉर्मली जब कोई नई चीजें आती है तो इंस्टीट्यूट इनिशियल लेवल पर स्टडी मटीरियल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है

एंड इंडेस वन जीरोल इंस्ट्रूमेंट डिस्कलोजर एंड रिकन और प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट रेट तो बेसिकलीसोर्टनिटी चेंज इन इंटरेस्ट और द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के कारण जो इंपैक्ट और हेजिंग के ऊपर जो उसका कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट आया उससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट जिसका सच आपके लिए कोई खास रिलिवेंस नहीं है स्टडी मटीरियल में भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं

बिजनेस की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया उसका रीज़न क्या है सिंपल है आज कोई मेरे पास आता है और वो कहता है कि यार मुझे आपसे एक असेट खरीदनी है example, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन खरीदना है दस हज़ार रुपये में सिंपल है वो दस हज़ार रुपये में इसको रिकॉर्ड कर ले वो आगे कहता है कि नहीं आपके तो यार मुझे ये फ़ोन भी दे दो और एक काम करो सर आपका ये आईपैड भी दे दो और ये एयरपॉड रखे ये भी दे दो और ये आपकी यहाँ पे मैकबुक रखी हुई है ये भी दे दो ये सब दे दो मुझे मैंने बोला ठीक है ले जा भाई सब ले जा तो दो लाख रुपये में सब दे दिया वो इसे भी कैसे अकाउंट कवर करेगा असेट एक्पोजिशन दो लाख रुपए अपनी बुक्स में दिखाएगा कि टू बैंक हो गया और इन सारी एसेट्स को मे भी फेयर वैल्यू के प्रोपोर्शन में टोटल दो लाख रुपए के बराबर की ये सारी एसेट रिकॉर्ड कर लेगा सपोज इसी की जगह आप यहां पर मुझसे कुछ एप्पल के प्रोडक्ट लेके चले गए कोई इसी तरह से कल दिन आप बड़े हो गए और आपकी इच्छा हुई एप्पल कंपनी को ही खरीद लो सऊदी के कोई शेख गए और उन्होंने एप्पल कंपनी खरीदने की बात की कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा दो लाख रुपए में आपने ये एप्पल के कुछ एसेट्स खरीदे थे मुझसे एक करोड़ आगे लगा दोगे तो एप्पल कंपनी आ जाएगी दो लाख करोड़ में उन्होंने एप्पल की कंपनी खरीद ली तो वो ऐसा नहीं करने वाले हैं कि जितनी एसेट्स उनको मिली है वो सारी एसेट्स को टू लाख करोड़ में उन सारी एसेट्स की फेयर वैल्यू के प्रोपोर्शन में एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे वहां पूरी अकाउंटिंग अलग होगी इंडेस वन जीरो बिजनेस कॉम्बिनेशन लगेगा जो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में जब आप ए सेट या ग्रुप ऑफ असट नहीं खरीद रहे हो बट भी आप एक बिजनेस खरीद रहे हो तो हम ये मानते हैं कि आप जो पैसे दे रहे हो वो सिर्फ के लिए नहीं है है कोई एक ऐसी अदृश्य प्रोसेस शक्ति कई लोग गुडविल कहते हैं है जिसके कारण आपको पैसे दे रहे हो जिससे आपको सिर्फ एक ग्रुप ऑफ असैट नहीं मिल रही है आपको साथ में एक इनसे जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रोसेस मिल रहा है जिससे आप इस ग्रुप ऑफ असेट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो बिजनेस कर सकते हो

असेट खरीदी उसकी फेयर वैल्यू 120 पैसा दिया 110 जो 10 आपने जो ज्यादा की ले लिया है वो कैपिटल रिजर्व बुक करते हैं यानी यहाँ पे आपकी असेट्स को इनिशियली कॉस्ट की वजह फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाता है जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये सिर्फ कब करोगे आप जब आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपने जो खरीदा है वो ग्रुप ऑफ असेट नहीं है जिसके केस में असेट एक्विजिशन यानी कि कॉस्ट मेथड लगता है बट एक्विजिशन ऑफ बिजनेस है जिसके केस में अकाउंटिंग 103 में होती है तो हो सकता है कई सारे लोग चाहें कि वो ये कहें कि मैंने बिजनेस खरीदा है ताकि वो सारी एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके आ सके उस पर रिकॉर्ड कर सके तो इसके लिए हमारे लिए ये क्लियरली समझाना जरूरी है कि बिजनेस एक्विजिशन कब माना जाएगा तो इंडेस वन जीरो थ्री ने पहले भी बिजनेस की डेफिनेशन दी थी पर उसको फर्दर रिफाइन करके अमेंड किया उस डेफिनेशन को और उसको बहुत इलाबरेट फॉर्म में एक्सप्लेन किया जिसमें कहा गया कि बहुत सिंपल है बेटा अगर आपने एक असेट और साथ में एक प्रोसेस खरीदा है और वो प्रोसेस अपने आप में ऐसा कोई हल्का फुल्का एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का प्रोसेस नहीं है एक क्रिटिकल प्रोसेस है, जो आपके आउटपुट जनरेट करने की कैपेसिटी में आपकी मदद करेगा तो आप मान सकते हो कि आपने बिजनेस खरीदा यानी दो चीजें होना चाहिए इनपुट जो प्रमाली अट्स होंगे और प्रोसेस प्रोसेस का मतलब क्या तो ये डेफिनेशन इसलिए आई क्यों क्योंकि एप्पल कंपनी खरीदना क्लियरली बिजनेस खरीदना है ये चार पाँच एप्पल की एसेट खरीदना डेफिनेटली बिजनेस खरीदना नहीं है एसेट एक्विजिशन बट सपोज फॉर एग्जांपल आपने ये पूरा मेरा स्टूडियो खरीद लिया क्या ये असेट एक्विजिशन है या बिजनेस एक्विजिशन है यहां पर डाउट आता है तो डेफिनेशन काम आती है आप कैसे कंक्लूड करोगे कि ये बिजनेस एक्विजिशन है तो आए तो इसमें भी असेट है तो मेन आपको ये देखना है कि क्या आपने स्टूडियो खरीदा है तो असेट्स खरीदे या उसके साथ में कोई प्रोसेस भी आपको मिल गया

किसी ने व्हाट्सएप पूरा खरीद लिया तो क्या उसको कोई प्रोसेस मिले जो सब्सटेंसिव है डेफिनेटली कंप्यूटर सर्वर्स के अलावा उसके पीछे एक स्टाफ एक थॉट प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर की टीम एक पूरी कोड ये सब भले ही असेट हो सकती है बट इन सबके साथ में इन सब का आपस में काम करने का एक तरीका इनकी जो सोच है जो मार्केट को कैप्चर करने का थॉट प्रोसेस है जो इनका नुआ है आगे के बिजनेस का ये सब इम्पैक्ट करता है तो इसके लिए कहा गया कि व्हाट यू हैव टू शो इज इनपुट और प्रोसेस दोनों है हमेशा ये चीज जब देखें तो आप ये ध्यान रखना कि जो प्रोसेस है वो सब्सटेंसिव होना चाहिए कब मानेंगे प्रोसेस सब्सटेंसिव है मेन यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाकी सब ज्ञान है आप पढ़ सकते हैं अगर आपने जो खरीदा है वो ऑलरेडी रेवेन्यू कमा रहा है तो प्रोसेस सब्सटेंसिव तब मानेंगे जब नंबर वन वो क्रिटिकल है बिजनेस के लिए यानी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी टाइप का प्रोसेस है मैंने एक बिल्डिंग खरीदी और साथ में उसके चौकीदार वगैरह भी आ गए जो उसकी सुरक्षा देखते कोई खास प्रोसेस नहीं आया क्रिटिकल होना चाहिए कब क्रिटिकल मानेंगे जब आपको लगता है कि अपन उसे सेल्फ डेवलप नहीं कर पाएंगे आसानी से अपन जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसे हटा के अपना प्रोसेस नहीं डाल पाएंगे तो क्रिटिकल है तो क्रिटिकल प्रोसेस आपके पास आया है में सामने वाले की या तो वर्कफोर्स या पूरा डॉक्यूमेंटेशन जिसके बेसिस पे वर्कफोर्स काम करती है वो एक्वायर किया तो नए डेफिनेशन में मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बिजनेस एक्विजिशन तभी माना जाएगा जब वर्कफोर्स एक्वायर हुई है

पर जेट एयरवेस की जगह मैंने एक क्या किया है कंपनी खरीदी है जिसकी शॉर्ट ट्रक है और कुछ नहीं है मैंने शॉर्ट ट्रक ले लिया और उनके ड्राइवर को भी ले लिया कि ये भी मेरे लिए काम करेंगे इनको मैं तनखा दूंगा शायद मैं इन्हें आसानी से रिप्लेस करके दूसरे ड्राइवर ला सकता था ये प्रोसेस सब्सटेंसिव नहीं है तो ऐसा कहते हैं सब्सटेंसिव प्रोसेस में प्रोसेस क्रिटिकल होना चाहिए कम माना जाएगा कि कोई चीज़ क्रिटिकल है अगर आपको लगता है कि उसे रिप्लेस करना डिफिकल्ट है आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता वो अपने आप में एक एंसिलरी माइनर प्रोसेस नहीं है मेजर प्रोसेस है तो मानना क्रिटिकल है साथ में या तो वर्कफोर्स आए या डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस आए और ये प्रोसेस और वर्क फोर्स जो भी आपने लिया है ये इतना क्रिटिकल है कि इससे आपके जो आउटपुट जनरेट हो रहे रहे हैं उसमें ये मदद कर रहे है। यानी रेवेन्यू साइड वाले प्रोसेस इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एचआर ये वाले प्रोसेस एक्वायर किए इससे डिसीजन मेकिंग अफेक्ट नहीं होगी लेकिन अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है तो फिर कंपलसरी है कि आपके साथ जिसका आपने बिजनेस एक्वायर या एक्वायर उसकी वर्कफोर्स भी आना चाहिए तो अगेन प्रोसेस क्रिटिकल होना चाहिए और साथ ही साथ में उसकी ऑर्गेनाइज वर्कफोर्स आपके पास आई है जो ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकती है और उसके साथ वो सारे इनपुट जिसके बेसिस पे वर्कफोर्स फोर्स काम करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस विच इज नॉट अ रनिंग बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ओनली क्योंकि वो रनिंग है नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है ये प्रूव करना कि वो बिजनेस है तो ऐसे केस में आपने वर्कफोर्स ली है और वर्कफोर्स के साथ वो वर्कफोर्स जो काम करती है उसके प्रोसेस भी आपके पास आए तो माना जाएगा बिजनेस है फिर भी ये सब्जेक्टिव डिसीजन है इट विल स्टिल इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट इसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर लो कि भैया आपने जो एक्वायर किया वो बिजनेस है या नहीं है ये थ्योराटिकल तो पार्ट है मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज देशन टेस्ट और द ऑप्शनल कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट ऐसे कहता है कि यार ये तो जजमेंटल हो गया डिबेटेबल हो गया वो जो इन बिटवीन वाली चीजें हैं वो अभी भी बड़ी ऐसी हैंकी पैंकी रहेंगी एकदम क्लैरिटी तो आएगी नहीं इससे भी तो हम आपको एक तरीका देते हैं और वो ये कि अगर आप ये प्रूव कर दो कि आपकी जो बिजनेस आपने एक्वायर की है उसकी जो टोटल असेट्स की वैल्यू है वो टोटल असेट्स की वैल्यू एक असेट या सिमिलर सेट ऑफ असेट में कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यू ऑफ असेट्स, ना कि नेट असेट्स। बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम गुडविल के लिए नेट आइडेंटिफाइबल लाइबिलिटी ग्रॉस वैल्यूटल वैल्यू अगर आप प्रूव कर सकते हो कि टोटल असेट की वैल्यू इज कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि उसका नब्बे परसेंट या उससे अधिक किसी एक सिंगल एसेट सिंगल एसेट का मतलब लैंड इज एन एसेट मशीन इज वन एसेट लैंड और बिल्डिंग दो एसेट है या एक एसेट है तो ऐसा कहते हैं कि दो एसेट अगर एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ऐसी जुड़ी है कि उन दोनों को बिना सब्सटेंशियल डैमेज किए या कॉस्ट इनकर किए अलग नहीं कर सकते तो मानना ये एक ही एसेट है तो लैंड और बिल्डिंग ये आप बिल्डिंग को ऐसे काट के अलग निकाल के दूसरी जगह नहीं रख सकते बट बिल्डिंग और मशीन अलग अलग हो सकती machine. Machine का ऐसा है कि जैसे में होती है। तो एक का मतलब एक असेट या ऐसी जो जुड़ी हुई ऐसी है कि उनको बिना सब्सटैंशल कॉस्ट के अलग नहीं किया जा सकता या डैमेज के बिना अलग नहीं किया जा सकता या सिमिलर असेट सिमिलर असेट का मतलब है जो एक जैसी है तो ये जैसे आपने लैपटॉप लिया आईपैड लिया आईफोन लिया आईपॉड लिया ये सब सिमिलर है एक तरह से आईटी इक्विपमेंट तो या तो ये सब टैंजिबल हो कभी भी टैंजिबल और इनटेंजिबल सिमिलर नहीं होगी एक फाइनेंशियल एसेट एक नॉन फाइनेंशियल एसेट सिमिलर नहीं होगी टेंजिबल में भी अलग अलग क्लास की एसेट आपने लिए फॉर एग्जाम्पल यू टेकन मशीन एंड फर्नीचर दिस इज नॉट सिमिलर एसेट इट शुड बी ऑफ द सेम क्लास अगेन सब्जेक्टिविटी इन इनवॉल्ड इसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि ये आपकी एक असेट है या सिमिलर सेट ऑफ अट है अगर आपकी ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट का 90 परसेंट किसी एक असेट की वैल्यू में है तो आप मान लो क्या मान लो कि भैया आपने बिजनेस नहीं खरीदा है आपने बेसिकली एक असेट या सिमिलर सेट ऑफ असेट ही खरीदे क्योंकि आपका टोटल पेमेंट जो आपने किया है उसका नब्बे परसेंट तो एक ही है तो इसमें आपने प्रोसेस के लिए पेमेंट दिया भी होगा तो दस परसेंट है वो सब्सटेंसिव नहीं है ये एक आसान तरीका है डिसाइड करने का कि आप बिजनेस हो या नहीं पर सर ऐसी कोई असेट नहीं है जिसका ये टेस्ट जो मीट करता है यानी टोटल असेट्स की वैल्यू का 90 परसेंट किसी एक असेट या सिमिलर असैट में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो फिर उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि बिजनेस एक्विजिशन ही हम बोलेंगे कि ठीक है फिर अब बिजनेस की डेफिनेशन के बेसिस पे ही इंटरप्रिटेशन होगा तो ये जो टेस्ट है इसे बोलते हैं अट कट्रेशन टेस्ट या ऑप्शनल कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट आपकी इच्छा है तो लगाओ नहीं तो मत लगाओ अगर आप लगाते हो टेस्ट पास हो गया तो बिजनेस एक्विजिशन नहीं है फेल हो गया तो हो सकता है बिजनेस एक्विजिशन हो सकता है नहीं डिपेंड करेगा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस में तो बिजनेस की डेफिनेशन में ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि अगर ऐसा होता बिजनेस की डेफिनेशन की समथिंग विच इज जनरेटिंग रेवेन्यू इज बिजनेस तो बहुत क्लियर होता पर ऐसा नहीं है इनफैक्ट डेफिनेशन तो बोलती है इनपुट और प्रोसेस आपने लिए है और वो केपेबल ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू होना चाहिए भले ही अभी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं नहीं तो वो बिजनेस है तो इसके लिए ये टेस्ट आपको एक आसान तरीका देगा ये समझने का कि आपने असेट खरीदा है या आपने बिजनेस खरीदा अब इस असेट इस टेस्ट असेट कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट को लगाने से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल लॉजिक से समझा देता हूं सबसे पहली बात बताओ अगर आप सेफर एग्जाम्पल कोई कंपनी एक्वायर करने के लिए तो लेट्स से आपने कंपनी के 60 परसेंट शेयर किए 600 लाख्स ,00 में इस कंपनी की लच्चे टोटल असेट्स जो है उसकी फेयर वैल्यू तो से इसकी दो असेट है असेट वन और असेट टू और असेट वन की फेयर वैल्यू वैल्यूल से छः सौ लाख है और असेट टू की फेयर वैल्यू से सौ लाख है क्या मैं बोल दूं कि भाई मैंने जो पैसा दिया है वो मोस्टली एक असेट में ही कॉन्सेंट्रेटेड है तो बिल्कुल गलत होगा मुझे ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट निकालनी है तो सर ये दोनों का टोटल लगा लेते हैं तो इसकी थोड़ी सी हो सकता है कैश एंड बैंक जैसी भी असेट हो डे दे, टैक्स असेट जैसी भी असेट हो तो इसकी कई सारी ऐसी असेट है अच्छा आपने 60 परसेंट एक्वायर किया है तो लच्चे बचा हुआ 40 परसेंट एन है उसकी वैल्यू से 300 हंड्रेड लैक्स इसके अलावा आपने कोई लाइबिलिटी भी एक्वायर करी है लचे विच इज़ ऑफ 150 फिफ्टी लैक्स अब ये बिजनेस आपने एक्वायर किया इस पर असेट कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट कैसे लगाना तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ अट दो साइड से निकाल सकते हो आप एक असेट साइड से निकाल सकते हो और एक आप जो आपने पैसे दिए प्लस लाइबिलिटी से निकाल सकते हो अगर आप एसेट साइड से निकालोगे तो फिर आपको गुडविल जोड़ के ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट निकालना पड़ेगी क्योंकि आपने जो कंपनी खरीदी है उसकी जो गुडविल है वो भी उसकी एसेट का पार्ट है तो इसलिए ये टिपिकल हो सकता है तो दूसरी अप्रोच ज़्यादा प्रेफर्ड होती है जिस अप्रोच में आप क्या करते हो आप बोलते हो आपने पैसे कितने दिए छः सौ बहुत ही सिंपल है देखना भयंकर टाइप का सिंपल है ये तो मैंने कहा भाई मैंने पैसे कितने दिए छः सौ कूल मैंने जो शेयर नहीं खरीदा उसके देता 300, तो कितने देते तीन सौ तो नौ सौ रुपए पूरी कंपनी आ जाती पर उस कंपनी में असेट ही नहीं लाइबिलिटी भी है कितने की लाइबिलिटी मुझे चुकाना पड़ती डेढ़ सौ की तो इसका मतलब देखा जाए तो आज जो मैंने पैसे दिए है या आगे जाके देना पड़ेंगे सब मिला के कंपनी टोटल दस पचास की है इधर आप असेट साइड में देखोगे तो टेन फिफ्टी नहीं आएगा कम आएगा क्योंकि गुडविल होती है तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपकी ग्रॉस वैल्यू ऑफ असैट दस पचास है 1050 कैसे आया पीसी कि जो सिक्सटी परसेंट आपने एक्वायर किया, NCI और जो वो कर दिया। अब आप देखो ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ अट है कि आपकी टोटल कोई भी अट ऐसी है क्या जो 90 of this value या उससे ज्यादा अकाउंट फॉर करती है है तो मान लो आपने मेजर पैसे जो दिए वो सिर्फ उस एसेट को लेने के लिए एसेट एक्विजिशन पर इस पूरे डिस्कशन में ऐसे ये कहता है कि यहां पे एक चीज समझो कि आपने ये जो निकाला 1050 इसके बदले में आप समझो कि सौ तो आपको वापस से कैश ही मिल रही है तो एक्चुअल में आपने ये जो पैसे दिए या देने वाले हो इसमें सौ तो आपको एक तरह से वापस ही मिल रहे हैं तो इसके लिए लॉजिक ये दिया गया फॉर्मूले में कि आप पीसी एनसीआई और लाइबिलिटी जो एक्वायर की है वो ऐड कर दीजिए इस टोटल में से जो कैश एंड बैंक या डीटीए सामने वाले का मिला है वो माइनस कर दो क्योंकि डीटीए भी अपने आप में कोई रियल एसेट नहीं है आप यू समझ लो कि एक किसैट है जो आप रियलाइज कर लोगे तो उसको कैश एंड कैश जैसा ट्रीट किया ये करके आप डिसाइड करिए कि आपने क्या एक्वायर किया तो टोटल मैंने कितने दिए दस पचास माइनस इसमें से कर दिया दो सो तो ये एट फिफ्टी है एट फिफ्टी का नाइनटी परसेंट अगर मैं निकालता हूं तो क्या वो किसी एक असेट में कॉन्सेंट्रेटेड है नहीं है इसका मतलब आई कैन कंक्लूड क्या कि यहां पर बिजनेस कॉम्बिनेशन का असेट कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट मीट नहीं हुआ है और नहीं मीट हुआ है। इसका मतलब शायद यह बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा हो जाता तो यह पक्का बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं था लेवन हंड्रेड की आप क्या बोलते है? अब अगर आप 850 का 90 निकालते हैं तो दिस नाइनटी परसेंट ऑफ एट हंड्रेड एंड फिफ्टी मच यह अभी भी सात सौ से ज्यादा आएगा तो ये आपका कैलकुलेट करने पे दिस इल स्टिल गोइंग टू बी 765 या जो भी आएगा ये 700 से ज़्यादा है तो आपकी एक असेट है 700 और आपको इसे ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट से कंपेयर करना है 850 फिफ्टी से एक ही असेट थी 700 की और ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट 850 है ये अभी भी 90 परसेंट से कम है तो सर मेरी एक ही तो असेट है पूरी वैल्यू इसमें फिर भी ये टच मीट नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि आपने जो पैसे दिए हैं आइडियली अगर एक ही एसेट है जिसकी फेयर वैल्यू सात है तो आपको टोटल सात सौ ही देने चाहिए थे ये दो अलग तो नौ सौ देना थे जिसमें से डेढ़ की आपने लाइबिलिटी ले ली तो कितना बचा माइनस करके सेवन फिफ्टी तीन सौ मार्केट वैल्यू ऑफ जो आपने नहीं लिया उसकी है तो आपको फोर फिफ्टी देने थे आपने छ सौ दिए डेढ़ सौ ज्यादा क्यों दिए गुडविल यानी इनडायरेक्टली गुडविल भी यहाँ पे सबस्टाइम रिमेनिंग टेन में गुडविल और दूसरी एसेट नहीं आ रही है उससे ज्यादा है यानी चांसेस हैं कि आपने जो पैसा दिया है वो बहुत ज्यादा दिया है नाइनटी परसेंट आपका एक असैड में नहीं है इसका मतलब चांसेस ये है कि आपने क्योंकि गुडविल के पैसे ज्यादा दिए तो प्रोसेस सबस्टेंसिव होगा ये लॉजिक है तो सिंपल आपको करना क्या है ये कैलकुलेशन करने के लिए आप पीसी पीसी में दो चीजें आएगी अभी जो शेयर खरीदे उसकी फेयर वैल्यू और जो पहले शेयर खरीदे थे उसकी फेयर वैल्यू ये टोटल लगा लो एनसीआई जितनी लाइबिलिटी है अच्छा ध्यान रखना लाइबिलिटी में अगर डीटीएल है तो इग्नोर कर देना ये सिंपल मंत्र याद रख लो डीटीएल को काट ही देना पूरे क्वेश्चन में अगर आए तो देखना ही नहीं उसको ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट है पर इससे आपको पहले क्या करना है कैश कैश डी डीटीए माइनस करना है डीटीए माइनस करना है डीटीएल टी कंसिडर ही नहीं करना ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट आ गई आपकी तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए पीसी सिक्सटी परसेंट के लिए छह सौ एक्सिस्टिंग इन्वेस्टमेंट दस परसेंट मेरा कैरिंगमाउंट सेवेंटी फाइव है फेयर वैल्यू नब्बे में नब्बे लूंगा तो सिक्स नाइन्टी हो गया और एनसीआई की टू फिफ्टी वैल्यू हो गई है तो ये टोटल हो गया नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी लाइबिलिटी जो है सामने वाले की वो कितनी है फिफ्टीन हंड्रेड या फिफ्टी इग्नोर कर दो तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट कितनी होनी थी टू फोर फोर जीरो पर इसमें कैश और बैंक और डीटीए कुछ है नहीं, नहीं तो वो भी माइनस कर देता तो बचा कितना टू वन फोर जीरो क्या टू वन फोर जीरो का नाइनटी परसेंट किसी एक असेट में कॉन्सेंट्रेटेड है तो दिस विल कम टू वन एट नाइन जीरो आता है शायद अब हमारी एक असेट है वो अठारह सौ की है तो दिस इज अठारह सो अपॉइट टू वन फोर जीरो लेस देन नाइन्टी परसेंट तो ओ सी मीट नहीं हो रहा और नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन हो सकता है ऐसा ये एक तरीका है एग्जाम में इसी को प्रेफर करिएगा दूसरा तरीका होता है असेट साइड से ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट निकालने का उससे आप कैसे निकालोगे लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन उसमें आप बोलोगे असेट एक है फेयर वैल्यू अठारह सो असेट दो है फेयर वैल्यू दो सौ दो हजार बैंक को और को तो आप इग्नोर ही कर दो क्यों क्यों क्योंकि क्यों ये तो ये मानो कि ये पैसे दिए और वो उत्ते के बराबर की एसेट आ गई इसकी फेयर वैल्यू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है तो आप इफेक्टिवली बोलोगे कि आपने जो टोटल एसेट लिया है वो कितने की आ गई आपके पास लेट्स से दो हज़ार की पर इसमें गुडविल तो आई नहीं तो पहले इसमें गुडविल गुडविलाना पड़ती है तो गुडविल कैसे आएगी तो आपने जो टोटल पैसा दिया है ये सब मिला जुला के नाइन फोर्टी हुआ एनसीआई प्लस पी सी ये नाइन फोर्टी के अगेंस्ट में आपको देखना है कि आपके पास नेट एसेट्स कितने की आई है तो नेट एसेट निकालते समय अब पे फिर इग्नोर कर देना तो अठारह प्लस दो आपके पास नेट एसेट से इनफैक्ट गुडविल निकालने के लिए आप देखो गुडविल कैसे निकालेंगे तो गुडविल में नेट एसेट आई 1800 प्लस 200 प्लस 300 सौ यहाँ पे वो भी लेना है 300 और लोन माइनस कर दो 1500 सो डीटीएल इग्नोर कर दो नॉर्मल जैसे निकलती है डीटीएल छोड़ के 800 आपने दिया 940 तो गुडविल आ गई 140 के तो जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ असटेट है उसमें तीन असेट आएगी अठारह सौ दो सौ और एक सौ चालीस अट्ठारह सौ दो सौ और एक सौ चालीस ये इक्कीस सौ चालीस ये कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं बोलता हूँ ये वाला मेथड प्रेफर करो अनलेस एंड एंडल एग्जाम में स्पेसिफाई करें जो करेंगे नहीं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी जो क्वेश्चन दिया उसको इसी मेथड से सॉल्व किया गया तो ये छोटा सा एक फॉर्मूला दिया है कि सिंगल सब्सटैशियल अट डिवाइडेड बाय ग्रॉस वैल्यू ऑफ असट इनटू 100 ये परसेंट ऑफ ओसीटी अगर ये 90 है उससे ज्यादा है तो टेस्ट मीट हो गया इट इज असेट एक्विजिशन ये जीवीए है ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट निकालने का एक तरीका है पीसी प्लस एनसीआई प्लस फाइनेंशियल लाइबिलिटी माइनस कैश एंड कैश इक्वलेंट और डीटीएल टी प्लस नहीं करना दूसरा तरीका है वेरियस अट एक्सक्लूडिंग डीटीए कैश और कैश इक्वलेंट पर गुडविल निकालना पड़ेगी तो असेट आप सारी ले लो कौन कौन सी कैश कैश इक्वलेंट डेटर सॉरी कैश कैश इक्वलेंट और डीटीए छोड़ के फाइनेंशियल असेट डेटर वगैरह शामिल होगी है ना और गुडविल अलग से निकाल लो जैसे नॉर्मली निकालते सिर्फ डीटीएल को एक्सक्लूड करके तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है हालांकि दोनों में आंसर से ही आएगा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा ये ऑप्शनल कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट है आपका लेट मी क्विकली शो यू दी इंस्टीट्यूट मॉड्यूल्स क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इससे रिलेटेड दर इज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसको अपन यू ओरली कर लेंगे सॉल्व कोई दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेटर पर आप निकाल लेंगे इसमें एनटीटी ए होल्ड ट्वेंटी परसेंट इन एन टी टी भी सब्सिक्वेंटली एन टी टी ए फर्दर रिक्वायर्स फिफ्टी परसेंट बाई पेइंग तीन सौ करोड़ तो पी सी एक तो हो गया तीन सौ बीस परसेंट की फेयर वैल्यू लेंगे आगे कहीं आएंगे फेयर वैल्यू आपको बिल्डिंग कैश कैश इक्न फाइनेंशियल लाइबिलिटी डीटीएल डीटीएल को कट ही कर दो तो ये तीन सौ अभी आपने दिया फिफ्टी परसेंट के लिए इसमें ऐड कर दो ट्वेंटी परसेंट इसमें ऐड कर दो एनसीआई इसमें ऐड कर दो फाइनेंशियल लाइबिलिटी वो अठारह सौ आठ सौ की है सॉरी इसमें माइनस कर दीजिए कैश और कैश इक्वलैंड डीटीए कुछ है नहीं तो वो भी माइनस कर देते तो इससे आपका जीवी आ जाएगा एन की फेर वैल्यू चार करोड़ है इसलिए एन सी वन ट्वेंटी करोड़ की है ये वन ट्वेंटी और मेरे पुराने बीस परसेंट की वैल्यू अस्सी करोड़ है खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं ये पे तो आप इन सबका नेट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका ग्यारह ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट है कोई सिंगल असेड है क्या जो नाइन्टी से ज़्यादा कंस्टिट्यूट करती है तो आप देख लो बिल्डिंग एक तो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग इज़ वन और ग्रॉस वैल्यू ग्यारह है तो दिस इज मोर देन नाइन्टी तो इसका मतलब असेट कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट मीट हो गया है क्योंकि 91% वन परसेंट इज वैल्यू विच इज सबस्टैशियल तो ये अलावा इंस्टीट्यूट ने छह एक्साम्पल्स दे रखे जो थोराटिकल है सेल्फ रीडिंग के लिए आप देख सकते हैं ये आपका पहला अमेंडमेंट का रिविजन कवर हो जाता है विच इज विध रिस्पेक्ट टू बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट सॉरी असेट कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट एंड ऑफ बिजनेस नाउट इंड सौ सोलह रेंट रिलेटेड चलिए A rent-related concession is uh, an amendment which was given in the India's Amendment Rules 2020, the year when the world witnessed the uh, COVID-19 pandemic. And this amendment is uh, as a consequence of that. We say that interest and rent Sunday or Monday, we will have rent छुट्टी हो तो भी आपकी जगह किराए पे तो किराया लग रहा है आपने पैसे लोन पर ले रखे हैं तो ब्याज लग रहा है तो लॉकडाउन के बावजूद भी जिन लोगों ने जगह किराए पे या पैसे उधार ले रखे थे उन पर उन्हें किराया और ब्याज देना पड़ रहा था ऐसे में कई गवर्नमेंट और कई पार्टीज ने कंसिडरेट व्यू लेते हुए कुछ कंसेशन दिए इंडिया में गवर्नमेंट ने कहा कि बैंक से लोन्स अगर आपने लिए हैं तो तीन महीने का आपको डेफरल दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री तो नहीं होगा ब्याज तो लगेगा पर तीन महीने की किश्त मत पे करना बाद में पे करोगे चलेगा <coughs> डेफरल कुछ फर्गिव नहीं किया एक्सटेंशन दे दिया पर किराए के लिए मोदी जी ने दरख्वास्त की कि भाई लैंडलॉर्ड हो सके तो कंसिडर करें और किराए से छूट दें <coughs> अगर आपका लोन अग्रीमेंट का टर्म चेंज होता है और लेंडर अगर आपको लोन रीपेमेंट में एक्सटेंशन या वेवर्स देता है तो उसे मॉडिफिकेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी कहा जाता है जिसकी अकाउंटिंग 109 प्रिस्क्राइब करता है और वहां पे वो बोलता है कि अगर ये हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन है जिसकी एक डेफिनेशन होती है कि 10 परसेंट से ज्यादा अगर आपकी मॉडिफिकेशन की टर्म्स के कारण जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही हो 10 परसेंट से ज्यादा वेरी हो रही है तो वो सबस्टेंशियल मॉडिफिकेशन है उसके इसमें ये मानते हैं पुराना लोन हुआ डी रेकग्नाइज और नए टर्म्स के अनुसार आज के मार्केट रेट के अनुसार आप डिस्काउंट करके आज फ्रेश लोन लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी कैलकुलेट करो डिफरेंस प्योर एल में डाल दो पर अगर सबस्टैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है यानी कि वेरिएशन एज पर द चेंज इन टर्म्स दस परसेंट से ज्यादा नहीं है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहता है कि आप को कोई जरूरत नहीं है गेन लॉस बुक करने की आप सिंपल ये समझो कि रिवाइज जो भी पेमेंट आपको करना है उसको डिस्काउंट कर लो और आज जो बुक्स में आपकी लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ रही है उससे इक्वेट कर दो इंटरेस्ट रेट चेंज कर दो <clears throat> हालांकि ये ट्रीटमेंट भी 109 ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है पॉपुलरली ऐसा फॉलो किया जाता है इंडिकेट किया ऐसा ट्रीटमेंटेंशियल कि मॉडिफिकेशन नहीं है तो क्या होगा पर मॉडिफिकेशन है तो क्या होगा ये है। पर के में ऐसा प्रिस्क्राइब कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है कि अगर लीज़ की टर्म्स मॉडिफाई होती हैं तो अगर वो मॉडिफिकेशन सब्सटैंशियल है तो क्या होगा और सब्सटैंशियल नहीं है तो क्या होगा इनफैक्ट किसी भी केस में अगर आपका लीज अग्रीमेंट मॉडिफाई होता है तो ऐसी सिचुएशन में मॉडिफाइड टर्म्स की अकाउंटिंग लीज मॉडिफिकेशन की होगी जिसके अंतर्गत अगर आपका स्कोप इंक्रीज या रिड्यूस हो रहा है तो एक सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब है पर अपन जो बात कर रहे हैं यहां पे हमें वेवर या डिफरल मिला होगा लेसर से जिससे मैंने जगह किराए पर लिया उसने कुछ छूट दी होगी किराए में या एक्सटेंशन दिया होगा पे करने के लिए तो स्कोप कम ज्यादा नहीं हो रहा है तो ऐसे मॉडिफिकेशन अगर ये अमेंडमेंट नहीं आता तो कैसे अकाउंट फॉर होते हमें यह मानना पड़ता है उस समय कि कोई भी लीज टर्म में मॉडिफिकेशन हुआ है तो इंडेज वन वन सिक्स कहता है कि आज मॉडिफाइड टर्म्स के अनुसार क्या लीज पेमेंट करना है आज इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट इन लीज क्या है नहीं पता है तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट आपका क्या है रिवाइज लीज पेमेंट को डिस्काउंट करो आज के इंटरेस्ट रेट से निकालो ली आपकी लीज लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू सपोज ये प्रेजेंट वैल्यू आपकी आती है एक लाख और बुक में आपकी ऑलरेडी लीज लाइबिलिटी आ रही है वन लाख टेन थाउजेंड पे तो आप अब लीज लाइबिलिटी को एक लाख पे ले आओ और आज के बाद से इंटरेस्ट आज की जो रेट थी उसके अनुसार बुक करना जो लाइबिलिटी दस हजार की कम हुई है तो कोविड में कई सारे लेसर्स ने कंसेशन दिया अपने लेसी को तो प्रॉब्लम ये खती हुई कि ये अकाउंटिंग क्या हमें हर लेसी को करना पड़ेगी क्योंकि ये तो प्रेविलेंट है हर लीज अग्रीमेंट मॉडिफाई हुआ होगा तो इसके लिए इंटरनेशनली आई ने और बाद में आईसी ने ये कहा कि अगर कोविड 19 के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के कारण आपके लीज रेंटल्स रिड्यूस हुए हैं या सेम रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है पर उसके स्कोप में कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं हुआ है सिर्फली पेमेंट में चेंजेस हुए और अगर आपको रिडक्शन दिया गया है रेंटल में तो वो रिडक्शन मैक्सिमम जून डेट लिए, लिए जून 21 जून तक ही आपको रिडक्शन है उसके बियॉन्ड पीरियड का रिडक्शन नहीं है ये चार कंडीशन पूरी होती है पैरा फोर्टी बी की तो हम आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यानी कि एक एग्जामेशन देते हैं कि जाओ आप लीज के कॉन्ट्रैक्ट को चेंज होने के बावजूद भी मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग मत लगाना यानी कि आप आज इंटरेस्ट रेट क्या है उस हिसाब से रिवाइज्ड लीज पेमेंट्स को डिस्काउंट करके रिवाइज लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करके डिफरेंस यू असेट से एडजस्ट मत करना बजाय इसके हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट देते हैं कि आप इस पर मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग ना करो तो क्या करो वो प्रेसिफाई नहीं किया है ये स्पेसिफाई नहीं किया जैसे कि 109 में था ना सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है तो स्पेसिफाइड नहीं था तो क्या ट्रीटमेंट होता है तो ट्रीटमेंट यह है कि अगर लीज अग्रीमेंट वेव कर दिया है फॉरगिवनेस है तो जो आपका लीज पेमेंट आपको करना था आप सोचो कि सब कुछ वैसा ही है कोई चेंज मत करो लीज अकाउंटिंग एकदम वैसी की वैसी चलने दो जैसी चल रही थी ये सोचो ही मत कि आपका कोई रेंट माफ हुआ है बस जिस दिन आपको वो रेंट पे करने की बारी आएगी आप उस दिन ये मानना कि मैंने वो रेंट पे करना था और उसने मुझे माफ कर दिया तो उत्ते को आप इनकम बुक कर देना खत्म यानी आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा आर ओ एसेट पे चेंज नहीं आएगा आपकी लीज लाइबिलिटी रिकेलकुलेट नहीं होगी आप सिंपली क्या करोगे उसे इनकम मान लोगे फिनिश अरे सर ये तो बहुत आसान अकाउंटिंग होगी हालांकि इससे इनकम बुक हो रही है अच्छा इसलिए इसको प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट बोलते हैं क्योंकि यहां पे हमें ज्यादा प्रिसाइज अकाउंटिंग की जगह प्रैक्टिकली जो कन्वीनियंट है वो अकाउंटिंग करने की छूट दी गई है तो दिस इज नोन एज प्रैक्टिकल एक्सपीडेंट विच इज अवेलेबल ओनली टू द लेसी इफ ही गेट्स एनी कंसेशन इन इज लीज, लीज अग्रीमेंट्स लेसी के लिए सारे लीज अग्रीमेंट फाइनेंस लीज जैसे ही ट्रीट किए जाते एक्सेप्ट वो शॉर्ट टर्म लो वैल्यू उसको छोड़िए कोई मतलब नहीं है तो आप इन कोविड नाइन्टीन के कारण लीज रिडक्शन हुआ है स्कोप चेंज नहीं हुआ है और रिडक्शन जुलाई इक्कीस जून इक्कीस से पहले तक के पीरियड का ही है तीस जून इक्कीस से पहले तक या तब तक के पीरियड का ही है तो आप मजे से बिंदास मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग ना करके इजी अकाउंटिंग करो क्या इजी अकाउंटिंग है अगर माफ कर दिया है तो आप उसे इनकम बुक कर लो पर अगर माफ़ नहीं किया है सर डेफर किया है तो <clears throat>

इसको एज सच जो मैंने डिटेल लेक्चर लिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, में शेयर कर दूंगा आपको डिटेल में देखना है तो वहां पर देख लीजिएगा वहां पर पूरी चीजें डिस्कस करिए मुद्दे की बात इसमें यही है और कुछ भी नहीं है इसमें फटाफट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्विकली बोल देता हूं सुन लीजिए बाकी डिटेल में देखना है तो आप यहां पे देख लीजिएगा आराम से नंबर वन <coughs> ये एक्सपीडियंट प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट कंपलसरी ऑप्शनल है ऑप्शनल है नंबर टू किसको अवेलेबल है सिर्फ लेसी को अवेलेबल है नंबर थ्री कब से अवेलेबल है तो नॉर्मली आपको कंसेशन मिला होगा कब से तो शायद 2020 से ही मिल गया होगा क्योंकि कोविड 19 में लॉकडाउन मार्च से शुरू हो गए थे और इन्फॉर्मेशन तो पहले ही आ गई थी कोविड 19 की कई जगह तो इसके लिए कहा है कि क्योंकि अमेंडमेंट आया 24 जुलाई 2020 को तो अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाइनटीन के चौबीस जुलाई तक अप्रूव नहीं हुए हैं तो आप नाइनटीन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एक्सपीडियंट अप्लाई कर लेना लेकिन अगर अप्रूव हो चुके हैं तो फिर आप इसको बीस से अप्लाई करते अब आप बीस इक्कीस से अप्लाई करोगे तो होगा क्या हो सकता है मार्च ट्वेंटी का रेंट आपका वेव कर दिया पर ये वेवर आपको मिला बाद में तो आपने तब तो अकाउंटिंग की नहीं और आपने क्या किया उसको आउटस्टैंडिंग दिखा दिया होगा या पे किया होगा अब सपोज आपके लेसर ने आपको वेवर दे दिया मार्च का भी वेव कर दिया पर ये हुआ कब 2021 में हुआ तो क्या मैं उसे अब 2021 में प्रोस्पेक्टिवली इनकम बुक कर दूँ नहीं

आपने लास्ट ईयर लीज रेंट कंसेशन की अकाउंटिंग एस पर मॉडिफिकेशन या कोई दूसरे तरीके से की थी पर अब आप चाहते हो करना, तो आप कर सकते हो आप यह सोचना कि अगर पिछले साल ही अकाउंटिंग करते तो आपके क्या लाइबिलिटी रहती लेकिन अगर, अगर अप्रूवल ही नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 24 जुलाई तक तो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है 1920 में ही पहली बार लगा और उसकी अकाउंटिंग से ही सही, सही कर दो ओपनिंग तो तो रिजर्व चेंज करने की बात नहीं आएगी तो मन सके किसे मिलेगा सिर्फ लेसी को मिलेगा कब मिलेगा 1920 से अगर अप्रूवल चौबीस जुलाई के पहले हुआ नहीं है तो अदरवाइज 2021 से 2021 में प्रीवियस ईयर का रीस्टेट करना है ओपनिंग बैलेंस रीस्टेट कर देना सर मेरे बहुत सारे लीज अग्रीमेंट है कईयों में कंसेशन मिला है क्या सब पे ये प्रैक्टिकल एक्सपीडेंट लगाना है या सिलेक्टिव हो सकता हूं तो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पैरा सी ट्वेंटी ए और बी में दी गई है नया अमेंडमेंट है तो पैरा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके अंतर्गत कहा है कि अगर आपने सब पर ये प्रैक्टिकल ने लगाया है तो वो डिस्क्लोजर दे दे सब पे लगाया है पर अगर उसने कोई क्लास ऑफ लीज पे लगाया है, तो डिस्कलोज कर दे किस क्लास पे लगाया यानी कि आप इसे क्लास वाइज ले सकते हो क्लास वाइज का मतलब है कि सपोज सारी लैंड की जो लीज थी उसके ऊपर या लैंड में भी हो सकता है अर्बन लैंड रूरल लैंड अलग अलग लीज हो तो आप एक क्लास आइडेंटिफाई कर लो उस लीज पे डिसाइड कर लो इस पे प्रैक्टिकल एक्सपीडेंट लेंगे वो वाली कैटेगरी पे नहीं लेंगे चलेगा अगर लिया तो डिस्क्लोज कर दीजिएगा कि हमने ये प्रैक्टिकल एक्सपीडेंट अप्लाई किया है और इसका हमने क्या मेथड अकाउंटिंग का दिया है क्या इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आए हालांकि इंडिया एड कहता है कोई भी इंडेज अगर अमेंड होता है तो पहली बार जब आप अकाउंटिंग करते हो तो हर लाइन आइटम पे इसका जो इफेक्ट आया है वो डिस्क्लोज करना है यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जाम किया है कि इंडिया एड का वो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है वो डिस्क्लोजर की बात है अब ये एक्सपीरियंट अवेलेबल लेसी को होगा कब जब पैरा फोर्टी सिक्स बी की चार कंडीशन सेटिस्फाई होगी पहली कंडीशन इट शुड बी एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड नाइनटीन वॉट डू आई मीन बाय डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड नाइनटीन आई मीन बाय डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड नाइनटीन कोविड कोविडीन के कारण हुआ है तो अगर आप एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस में और आपको लीज रेंट कंसेशन मिला है तो शायद कोविड नाइनटीन के कारण नहीं मिला हुआ क्योंकि आपका धंधा तो चल ही रहा था भी सकता है मिला आपको पहले ही जनवरी ट्वेंटी में कोविड कोविड आने से पहले ही मिल गया था तो फिर ये ये के कारण नहीं हालांकि फैक्ट्स ऑफ द केस इसका मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा जो लेसर है वो चाइना में बैठा है मैंने जगह लीज पे इंडिया में लिया उसने तो मुझे जनवरी में ही कंसेशन दे दिया ये बोल के कि भैया मुझे मालूम है आगे दिक्कतें आने वाली है मैं कंसेशन दे रहा हूँ क्यों क्योंकि पेंडेमिक से इफेक्ट होगा मैंने बोला अरे काय का, का? पेंडेमिक इसको कुछ पता ही नहीं है पर कंसेशन दे रहा है तो ले लो बाद में समझ आया अपने को नहीं पता था उसको ज्यादा पता था इंडिया में लॉकडाउन लगा मार्च से कंसेशन मिल गया जनवरी से क्या कोविड नाइन्टीन रिलेटेड माना जा सकता है तो कोविड नाइन्टीन लिखा है लॉकडाउन नहीं लिखा है तो लॉकडाउन से पहले के पीरियड का भी हो सकता है सब्जेक्टिव होगा वो बात भी है तो इट शुड बी एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड नाइन्टीन उसी के कारण ये हुआ है सेकेंड इसमें लीज पेमेंट आपके या तो कम हुए या सेम रहे सेम में सबस्टेंशियली सेम होंगे तो भी चलेगा उदाहरण के तौर पे मैंने कई सारे एग्जाम्पल यहां पे आपको दे रखे से मार्च से जून के लीज रेंटल वेव कर दिए रिड्यूस्ड मार्च से जून के बोले कि जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में दे देना तो डेफर है तो सेम ही रहे बोला मार्च से जून चार महीने के अगले चार महीने में पांच परसेंट ब्याज जोड़ के दे देना तो बढ़ गए ये तो मैं बोलूंगा सब्सटैंशली सेम ही रहे तो अगर टाइम वैल्यू का करने के लिए थोड़ा ज्यादा भी पैसा ले लिया जाए तो माना जाएगा कि होगा। तो हमने कहा कि भैया कम कर दो लेसर ने बोला नहीं करेंगे जगह खाली करते थे उसने बोला पेनल्टी लगेगी नॉन कैंसिलेबल हमने बोला ले लो पर हम नहीं हम दे नहीं नहीं पाएंगे उसने बोला चलो ठीक है हम तुम्हारा छह महीने का रेंट माफ कर देते हमने बोला नहीं चाहिए आप रख लो उसने कहा चलो मैं तुम्हारा एक साल का रेंट माफ कर देता हूँ हमने बोला अरे प्रभु नहीं चाहिए आगे लगेगा तो आ जाएंगे आपके पास लेने खाली हो तो दे देना हमें पूरी उम्मीद है आपका क्या पूरा खाली रहे उसने बोला सुनो पांच साल का अपना अग्रीमेंट है पाँच साल तक तुमको आधे किराए पर ये जगह देने को तैयार हूं मैं अब बोलो

तो अगर आपको लेसर बोल रहा है कि आपको दिसंबर 21 तक रेंट में मैं वेवर या छूट या डिफरल दे रहा हूं तो फिर आप मान लीजिए कि भैया ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं लगेगा मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी याद रखना आपको ये बोला है कि जून 21 तक का रेंट आपका मैं आधा लूंगा पर जुलाई इक्कीस से मैं आपसे डेढ़ गुना रेंट लेना शुरू कर दूंगा तो इंक्रीमेंट आप कभी भी लो उससे फर्क नहीं पड़ता है जो रिडक्शन है लीज रेंटल में दिया गया है वो जून इक्कीस या उससे पहले के पीरियड का ही होना चाहिए उसका कंपनसेशन डेफरल आगे भी एक्सटेंड होगा तो चलेगा और सब्सटैंसिव चेंज इन टर्म्स नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं मैंने जगह आधी खाली कर दी या थोड़ी जगह ऑल ले ली उसी रेंट पे कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में चेंज हो गया है तो फिर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करिए ये नहीं लगाना चारों कंडीशन चारों की चारों एंड केसेस है सब सेटिस्फाई करोगे तो कोविड नाइन्टीन के कारण माना जाएगा ये लीज कंसेशन मिला है और इस पर्टिकुलर केस में आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट में अकाउंटिंग कर सकते हो अकाउंटिंग में फॉरगिवनेस की अकाउंटिंग क्या होती है अगर आपको रेंट फॉरगिव मिला है तो इसे नेगेटिव वेरिएबल लीज पेमेंट मान लेना यानी कि आप इसे इनकम बुक कर लेना इसमें प्रॉब्लम क्या आती है तो लेट्स ए फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कंसेशन दिया और कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक तेरा लीज रेंटल माफ सबसे कॉमन तरह का कंसेशन जो आपको लीज एग्रीमेंट में लेसी को दिया गया तो मैंने पास कोई जगह थी और मुझे कहा अप्रैल ट्वेंटी से लेके जब तक लॉकडाउन चल रहा है तुम्हारा रेंट माफ सब्जेक्ट टू मैक्सिम ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी 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 तो से डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी तक का माफ प्रोवाइडेड लॉकडाउन रहना चाहिए तो ये कंडीशनल वेवर है अप्रैल में लॉकडाउन रहा तो आप क्या करना नॉर्मल जो अकाउंटिंग कर रहे थे वही करना फिर जब लीज पेमेंट देने की या एंट्री करते तो लीज लाइबिलिटी टू बैंक करते हैं या लीज लाइबिलिटी टू प्यर कर देना बस बाकी इंटरेस्ट रेट वही रहेगा इंटरेस्ट भी वैसे ही लगते रहेगा सब नॉर्मल चलेगा बस जब देने की बारी आए तो तीन कम बुक कर देगा तो अप्रैल में जून तक लॉकडाउन रहा ये तीन महीने में आपको जो लीज रेंट पे करना था उसको इनकम बुक कर दो जुलाई से पे करना शुरू कर दिया नॉर्मल अग्रीमेंट कंटेन्यू हो गया इसीलिए ये एक्सपीडियंट गया है कि सिंपल अकाउंटिंग रहे पर सपोज आपको अनकंडीशनल वेवर दे दिया कि भैया लॉकडाउन रहे नहीं रहे कोई भी कंडीशन हो कुछ भी हो अप्रैल से लेके आपका डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी महीने तक का आपका माफ कर दिया पूरी तरह से कोई कंडीशन नहीं पूछेंगे आपसे एकदम माफ नॉर्मली ऐसा कोई देगा नहीं पर अगर दे दिया आपको तो इस केस में फिर आपको मजबूरन यहाँ पे टेक्निकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नौ महीने का अगर माफी मिली आपको तो ये पूरा आपको कब मिल गया एक अप्रैल को अनकंडीशनली तो इसे आज ही इनकम बुक करना पड़ेगा तो बात है प्रेजेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्यों क्योंकि आज की लीज पेमेंट तो ठीक है पर आगे वाले समय की लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू बुक करेंगे तो एंट्री भी लीज लाइबिलिटी टू प्योर एल होगी पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल ली जाएगी जब अनकंडीशनल लॉन्ग टर्म वेवर मिले ये दोनों नेगेटिव वेरिएबल लीज पेमेंट है यानी इनकम प्योर एल में जाएगी इंटरेस्ट रेट वही का वही रहेगा जो पहले था चेंज नहीं होगा लेकिन अगर आपको डेफरल मिला है कि भैया अभी तीन महीने का अगले तीन महीने में पे कर देना तो फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे सेम इंटरेस्ट रेट यूज करते हुए देखना पड़ेगा कि भैया आपकी अब लाइबिलिटी क्या आ रही है तो मुझे अभी पेमेंट करना था से सौ 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 हर महीने अब मुझे करना है जीरो 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 फिर दो सो दो सो दो सौ 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 तो पहले मैंने जो लीज लाइबिलिटी निकाली थी वो हंड्रेड आने वाले समय की प्रेजेंट वैल्यू थी पर अब जीरो 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 फिर टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड फिर हंड्रेड हंड्रेड्रेड इसकी प्रेजेंट वैल्यू पहले वाले प्रेजेंट वैल्यू के बराबर नहीं आएगी इतना समझते हैं तब तो आपको यहाँ पे डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी विच इज देर इन द बुक्स एंड द रिवाइज लीज लाइबिलिटी इसको इनकम बुक कर लेना चाहिए ये एक सजेस्टेड ट्रीटमेंट है डिफरल का इंडेस में नहीं किया गया इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो अपन ने सॉल्व किए अपने स्ट्राइकर के क्वेश्चन से ये अमेंडमेंट का द्रोन चार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है ये भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ अमेंडमेंट की टेक्स्ट यहाँ पर है ये सब मैंने शेयर कर रखी है गूगल ड्राइव पर नोट्स में अवेलेबल है स्टडी मटेरियल का अगर क्वेश्चन देखना है आपको तो वो क्वेश्चन में आपको स्टडी मटेरियल वाले सारे क्वेश्चंस में आपको क्विकली करवा देता हूं रेंट कंसेशन चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं L, तो लेसर लेसर एल लीटेल स्पेस टू एंड द ऑपरेटिंग लीज तो ये है मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं दस हजार पर मंथ है कोविड नाइनटीन के कारण रेंट कंसेशन दिया है जिसमें कोई रेंट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू देंगे बट बीस हजार पर मंथ देंगे उसके बाद के जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने के लिए तो तीन महीने नहीं देना और तीन महीने डबल दे देना और कोई चेंज नहीं है लीज में कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड रिडक्शन हुआ है डेफरल हुआ है सब सेम ही रहे एक तरह से स्कोप में एस और कोई चेंज नहीं आया है देखा जाए तो और जुलाई 21 के बियॉन्ड रिडक्शन नहीं है तो क्या प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अवेलेबल है द आंसर इज यस यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अवेलेबल है यानी कि आपको इसे लीज मॉडिफिकेशन के जैसे अकाउंट फॉर करना कंपलसरी नहीं है ऑप्शनल है आप मत करो वैसे प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगाओ लेसर एम ने दस ईयर की लीज की है ऑफिस स्पेस की लेसी एक से जो एक अप्रैल दो हजार पंद्रह को पंद्रह हजार रुपये पर मंथ से शुरू हो गई ऑपरेटिंग लीज लेसर ने माना कोई मतलब नहीं है रिलोकेशन कॉस्ट छह लाख रुपये लग गई लीज इंसेंटिव को रिडक्शन मान लिया इनकम बुक छोड़िए अप्रैल 2020 कोविड 19 पेंडेमिक में ये किया है कि हम आपका मई जून और, और जुलाई 20 का पेमेंट वेव कर देंगे वेवर है फॉरगिवनेस बोलते हैं ये मॉडिफिकेशन है कैसे अकाउंट करेंगे प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट मिलेगा सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है <coughs> क्यों तो यहां पे देखें दस साल की लीज अपन ने की है एक अप्रैल को अपन शुरू हुई है फिफ्टीन थाउजेंड पर मंथ पेबल इन अरियर ऑपरेटिंग लीज है रीलोकेशन की कॉस्ट लीज इंसेंटिव के फॉर्म में दी गई है और रिडक्शन आगे दिया गया एक अप्रैल 2020 को कोविड 19 के कारण तीन महीने के रेंटल पे किए तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट कैसे अकाउंट फॉर हो पाएगा तो ये जो वेवर आपको दिया गया है दिस अनोटाइज इसकी बात नहीं कर रहे जो पहले वाला पार्ट है वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट इज बेसिकली ड्यू टू कोविड नाइनटीन उसका आपको क्या मिलेगा यू विल बेसिकली गेट द दिन फॉर इट चलिए वहां पे क्वेश्चन मिक्स हो होकर आ रहे हैं तो इनफैक्ट अपन यहां से क्वेश्चन देख लेते हैं ये अपने आप अप में ज्यादा डायरेक्ट रहेगा ये कोविड नाइन्टीन है उसमें मिक्स वाले क्वेश्चन हैं ये आपको सब दिए गए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में अमेंडमेंट से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं अपन रिटेलर क्यू स्टोर लार्ज रिटेल मॉल में एक लाख पर मंथ है कोविड नाइन्टीन लेसर के साथ अग्री किया है कि अप्रैल में जून का डेफर कर देंगे और आगे जनवरी मार्च फरवरी मार्च में थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे क्या ये एलिजिबल होगा द आंसर इज यस क्योंकि सारी कंडीशन मीट होती है नेक्स्ट पी ऑपरेट चेन ऑफ रेस्टोरेंट कई सारे आउटलेट है रेंट डेफरल अग्री किया है इसके अंतर्गत जो जुलाई से दिसंबर तक ड्यू था वो जुलाई से दिसंबर 2021 में पे करेंगे क्या एक एक्सपीडियंट मिलेगा Yes, क्योंकि डेफरल भले ही आपका जुलाई 21 के बाद पे हो रहा है पर रिडक्शन जुलाई 21 से पहले का है तो बाकी सारी कंडीशन मीट है एक्सपीडियंट मिल जाएगा लीजेज ऑफिस बिल्डिंग कोविड पेंडेमिक के कारण रेंट कंसेशन अग्री किया है मंथली रेंट 50 परसेंट से रिड्यूस कर दिया जाएगा 12 महीने कमेंसिंग एक अक्टूबर तो एक अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 तक मिलेगा तो जून 21 के बियॉन्ड भी आपको कंसेशन मिल रहा है तो इसके लिए यह माना जाएगा कि यह प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के लिए एलिजिबल नहीं है लेस ही ग्रांटेड रेंट कंसेशन बाय लेसर वेर बाय लीज पेमेंट फॉर पीरियड अप्रिल्वेंटी ट्वेंटी टू जून ट्वेंटी ट्वेंटी इज डेफर्ड ये तीन महीने क्या कर दिए आखिरी में एड कर दिए बढ़िया क्वेश्चन है तो तीन महीने का यहां पे कैसे किया वेव कर दिया और बोला आपको तीन महीने लीज एक्स्ट्रा और दे देंगे पर उसका आपको किराया देना तो इफेक्टिवली आपका टोटल लीज पीरियड तीन महीने से बढ़ा दिया पर रेंट नहीं बढ़ाए पहली बात क्या रिडक्शन हुआ है हाँ अभी तीन महीने फ्री हो गए क्या स्कोप सब्सटैंशियली चेंज हो गया नहीं जो एक्सटेंशन मिला है वो सिर्फ जो आपको रेंट फ्री पीरियड दिया था उतना रीज एंड कमाने के लिए दिया था इसे सब्सटैशियल चेंज नहीं माने कोविड के कारण हुआ जुलाई इक्कीस से पहले का रिडक्शन है कंसेशन अवेलेबल होगा क्या प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अवेलेबल है yes, अवेलेबल है और ये फॉरगिवनेस ऑफ लीज पेमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है लेट्स सी दिस क्वेश्चन एकमात्र अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है 1500 स्क्वायर मीटर रिटेल स्पेस पांच साल के लिए एक अप्रैल 2018 को शुरू हो गया एक लाख रुपए पेबल थे क्वार्टरली बेसिस पे पांच परसेंट शुरू में इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट था कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं थी कोविड नाइनटीन से बिजनेस इंपैक्ट हुआ एक जून बीस को अनकंडीशनल रेंट कंसेशन टू फोर गो पेमेंट ऑन एक जुलाई सिर्फ एक किस्त एक जुलाई की आपकी माफ कर दी गई है एक लाख रुपए की तो आप इसकी अकाउंटिंग क्या करोगे तो एक, आप में क्रेडिट कर देना। इसे एक नेगेटिव वेरिएबल लीज पेमेंट मान के पी ऑर एल में आप एक लाख क्रेडिट कर देना और आपकी लाइबिलिटी एक लाख से डेबिट कर देना इंटरेस्ट रेट पांच परसेंट का पांच परसेंट दी रहेगा एग्जाम में पॉसिबली ये क्वेश्चन या जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं उसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है

माना जाएगा कि वो मटीरियल है अगर आप वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हो गलत देते हो या छुपाते हो दैट मींस ओमिटिंग मिस्टेटिंग और ऑब्सक्योरिंग कुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन दैट द जेनरिक जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जेनरिक यूज़र्स, तो यूज़र्स ऑफ जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक ऑन द बेसिस ऑफ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के डिसीजन लेते हैं उनके डिसीजन अगर अफेक्ट हो सकते हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने से गलत देने से या छुपाने से तो माना जाएगा वो इंफॉर्मेशन मटीरियल है और अगर इंफॉर्मेशन मटीरियल है तो ही उसके ऊपर सारे इंडिया लगेंगे मटीरियल इंफॉर्मेशन को जैसे अकाउंट फॉर करना आप कर सकते हो ये मटीरिटी का रेफरेंस आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन एस्टिमेट्स एरर्स में भी मिलता है इंडिया टेन इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट

तो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप वेग टर्म्स में दे रहे हो क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहे हो तो माना जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो एक तरह से छुपा रहे हो अपस्क्योर कर रहे हो और अगर इससे यूजर की डिसीजन मेकिंग चेंज होगी तो माना जाएगा कि आपने एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट किया है इन्फॉर्मेशन आप जान करके स्कैटर कर रहे हो तो कंटेजेंट लिटिगेशन क्लेम अलग अलग जगह छुपा दिया आपने अलग अलग जगह दे दिया ताकि लोगों को एक जगह ना मिले ये भी अपस्क्योरिंग माना जाएगा तो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि भैया कंपनी ने अपनी सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग जगह दिखाई है ताकि यूजर्स को समझना है अब इंडेस वन में तो नहीं पता एस वन तो स्पेसिफिकली कहता था पता क्या नहीं है यहाँ पे इंडेस वन बोलता है भाई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड भी डिस्कलोज एस वन कहता था शुड भी डिस्कलोज एट वन प्लेस इंडेस वन जनरली बोलता है कोई चीज एक साथ आनी चाहिए और आप अलग अलग बिखेर के दिखा रहे हो तो माना जाएगा कि आप इंफॉर्मेशन अपस्क्योर कर रहे हो और इससे यूजर का डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो सकता है तो इस पर्टिकुलर केस में आपको कहना होगा कि ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट तो इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग जगह स्कैटर करके दे दी गई है तो बताइए एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे या क्या ये सही है तो हम कहेंगे नंबर वन की यू शुड गिव इट एट वन प्लेस बी इफ नॉट गिवन देन इट इज अन कंप्लाइंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ नॉट स्पेसिफिकली इन डेज एवर इफ दिस अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर दिस विल बी ट्रीटेड एज अ मटीरियल में स्टेटमेंट ऑडिटर विल क्वालिफाई रिपोर्ट डिसिबुलर आइटम क्लब करना तो अगर आप पेनल्टी और इंटरेस्ट क्लब करके दिखा रहे हो तो यू आर ऑफ्सक्योरिंग मेटीरियल बिकॉज पेनल्टी आप पे कोई गलत काम करने पर लगती है इंटरेस्ट इज जस्ट फॉर लेट पेमेंट सिमिलर आइटम्स इन अप्रोप्रिएटली डिसग्रीगेटेड चीज़ एक ही है पर आप अलग अलग करके उसको स्प्लिट कर करके दिखा रहे हो तो आपने लच्चे स्टाफ को बोनस दिया है पर आप दिखाना नहीं चाहता इतना बड़ा बोनस है तो आप उसी को स्प्लिट करके अलग अलग जगह दिखा रहे तो थोड़ा आपने सेल्स प्रमोशन में डाल दिया थोड़ा स्टाफ वेलफेयर में ऐसा इन्फॉर्मेशन छुपाई गई है

ज बेसिकली नोन एज आई बॉल रिफॉर्म्स इंडियाज अमेंडमेंट रूल ट्वेंटी ट्वेंटी बाईस से कोर्स में आएंगे दुआ करेंगे आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े उसमें रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट और आए हैं आई एफ आर एस में ही अमेंडमेंट दो हजार बीस में ही आ गए थे उसके हल्के फुलके अमेंडमेंट इंडियज अमेंडमेंट रूल दो हजार बीस में जो आए थे वो यहां डिस्कस कर रहे बैकग्राउंड आप कई सारे इंडिया में डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हो कई जगह फेयर वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ डिस्काउंटिंग फैक्टर या रेट्स लेते हैं ये जो आप रेट कंसिडर करते हो ये रेट आप कैसे निकालते हो तो कई जगह रिस्क फ्री रेट होता है कई जगह ये रिस्क फ्री रेट से डिराइव्ड कोई एक रेट होता है जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है तो रिस्क फ्री रेट क्या है तो ये एक, एक बेस रेट है जो आप चाहोगे कि इतना तो मैं कमाऊ ही कमाऊं बेंच मार्क रेट है विदाउट एनी रिस्क प्लस इस पे आपका रिस्क प्रीमियम मार्कअप होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने कहा कि भैया कई सारे बेंचमार्क रेट्स रेट जो कई जगह यूज किए जा रहे हैं वो आजकल रिडंडेंट हो गए तो इसके लिए अक्रॉस द ग्लोब एक एक्सरसाइज की जा रही है जिसके अंतर्गत आप जो बेंचमार्क रेट्स यूज करते थे बेस रेट्स उनको कंपनीज चेंज कर रही है और ऐसे रेट्स यूज कर रही हैं जो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है करंट मार्केट नीड्स के तो अगर मैं लच्चे फॉर एग्जांपल आरबीआई के बेस रेट को बेंचमार्क रेट मानता था या बैंक रेट को बेंचमार्क रेट मानता था तो बैंक रेट आरबीआई का अब यूजलेस हो गया है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट फिर भी रेलिवेंट है हो सकता है मैं उसे बेस मानता था अब मैं बोलता हूँ यारेवेंट ही नहीं है तो इससे आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज होगा हो सकता है ये चेंज आप अग्रीमेंट्स में भी करवाओ कि भैया आपके लेसर के साथ आपका जो अग्रीमेंट है या आपके फाइनेंशियल फंड प्रोवाइडर के साथ अग्रीमेंट है जहां वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लोन्स है हो सकता है ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज में वो भी चेंज हो तो जो ग्लोबली अमेंडमेंट आया उसमें उन्होंने बेसिकली संक्षिप्त में इतना कहा कि अगर आपके इंटरेस्ट बेंचमार्क रेट रिफॉर्म्स या इंटरेस्ट रेट विच आर यूज एज बेंचमार्क में अगर आप कोई रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो ये रिफॉर्म्स के कारण आपके लीज टर्म्स लाइबिलिटी चेंज होंगी आपको हम ऑप्शन देते हैं कि आप इसके ऊपर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग ना लगाओ ऑप्शन है इसके लिए किसमें अमेंडमेंट किया 109 में कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी में मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग मत लगाना अगर आपकी टर्म्स चेंज हुई है बिकॉज़ ऑफ द बेस रेट चेंजेस ऐसा अमेंडमेंट आईएफआरएस 9 में हुआ है लेकिन इंडेस 109 में नहीं हुआ है तो ये आपके कोई काम का नहीं है हालांकि आई एफ सेवन में अमेंडमेंट हुआ कि अगर आप बेस रेट चेंज करने के रिफॉर्म्स कर रहे हो तो डिस्क्लोजर दे दो इंडिया में भी वो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है तो इंडेज वन जीरो देखते हो उसमें ये चेंज हो गया डिस्कलोजर मांगा है पर अकाउंटिंग में जो था कि मॉडिफिकेशन मत मानो वो नहीं लगा तो इसका मतलब आपको मॉडिफिकेशन मानना पड़ेगा अब वो दो में आए अमेंडमेंट इंडेज में वो छोड़ो इसके कारण एक प्रॉब्लम ही आएगी कि, कि आपने कई सारे वेरिएबल इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग चीजों के लिए हिजिंग कर रखी होगी अब जैसे ही आपने आपका बेस रेट चेंज किया कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज किया तो हो सकता है जो हेजिंग आपने करी हो उसकी इफेक्टिवनेस कम या खत्म हो जाए तो एक एक्सेप्शन यह भी दिया गया कि आपकी हेजिंग रिलेशनशिप अगर इनइेक्टिव भी हो रही है इस इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रेट के चेंज के कारण तो भी आप हेजिंग रिलेशनशिप इफेक्टिव मांग के हेजिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि हेजिंग अदरवाइज आप लिमिटेड फॉर्म में पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे भी इंडिया में ऑप्शनल है इसकी अकाउंटिंग दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नॉट रिलीवेंट इसके लिए इंडिया वन जीरो सेवन अमेंड किया गया

उट इट डिविडेंट्स पर आ जाते हैं। का सा हुआ जिसे मिलेगा उसके हाथ में वो टैक्स होगा सब्जेक्ट टू छोटे मोटे कुछ एग्जाम तो अभी तक ऐसा होता था कि सब्सिडी अगर डिविडेंड देती थी सौ रुपए का डिविडेंड दिया तो समझो उसके ऊपर उसने बीस रुपए का डिविडेंड टैक्स पे किया रुपया जो भी है तो होल्डिंग अपनी बुक्स में सौ रुपए अगर हंड्रेड परसेंट सब्सिडी है तो सौ की इनकम बुक करता था पर सब्सिडी के रिजर्व एक सौ बीस से कम हो जाते थे, थे सपोज तो जो का एक्स्ट्रा आउटफ्लो हुआ उसे क्या माने तो ट्रीटमेंट जब डीडीटी लगता था तो ये होता था कि क्या पेरेंट को उसका क्रेडिट मिलेगा अगर मिलेगा तो क्या मानते थे कि वो जो बीस सब्सिडी ने पे किया है वो पेरेंट अपने डिविडेंड से सेट ऑफ कर लेगा इसका मतलब खर्चा कुछ है ही नहीं तो इसके लिए वो जो सब्सिडरी का भी इसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का खर्चा है वो खर्चा नहीं है ग्रुप के लिए तो पेरेंट अपने डिविडेंड टैक्स में उसको जोड़ के दिखा देता था तो वो सोकी में दिखता था और पीओरएल में नहीं जाता था अगर एनसीआई है तो एनसीआई का शेयर केस एनसीआई में दिखेगा ही दिखेगा अगर पेरेंट को क्रेडिट नहीं मिलता उसका तो जो बीस सब्सिडरी ने पे किया है सरकार को वो डूब गया तो आप उसे पीओरएल में टैक्स एक्सपेंस में जोड़ के दिखा दीजिए एनसीआई का शेयर है तो वो अलग कर दीजिए एनसीआई के कॉलम में सोकी में दिखा दीजिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये कब जब DDT लगता था अब इससे रिलेटेड कंसोलिडेशन के आपके क्वेश्चन में और ईपीएस के चैप्टर में जो क्वेश्चन डीडीटी वाले थे वो आज भी एज इट इज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 2021 के मॉड्यूल में भी है तो उम्मीद करते हैं कि इंस्टीट्यूट डीडीटी रिलेटेड सवाल एग्जाम में ना पूछ ले और पूछ ले तो आपने जो ट्रीटमेंट देखा है पहले पढ़ा है सेम करके आ जाना तो यू डोंट हैव टू तो अनलर्न एनीथिंग लर्न समथिंग न्यू पर अगर कभी ऐसा आ गया कि भैया पे करने वाले के हाथ पे डिविडेंड नहीं लगा तो ऐसे भी अपन मैक्सिमम क्वेश्चन में तो डीडीटी नहीं दिया रहता है तो अज्यूम ही करते डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का इंपैक्ट ही नहीं है नोट तक नहीं डालते हैं एक रेयर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देने वाले पे डिविडेंड नहीं लग रहा है लेने वाले के हाथ में डिविडेंड लग रहा है ऐसा कब मालूम पड़ेगा जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन लिखे सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड डिविडेंड एंड एंड विल बी इन द द ऑफ पेरेंट एट रेट सब्सिडीबेडेंट ट्वेंटी परसेंट एवर तब मामला फिर क्या बनेगा तो वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो हल्का सा आपको देखने की जरूरत पड़ सकती है आई हैव लीस्ट एक्सपेक्टेशन दैट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कैन

सिंपल क्या होएगा कुछ भी नहीं करना है देने वाला सौ रुपये डिविडें बांटेगा की में सौ रुपये रिजर्व कम कर देगा लेने वाला सौ रुपये पी में इनकम डालेगा उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स पे कर देगा तो इसमें पढ़ने की कोई बात ही नहीं है सब सिंपल है बस एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर सीपियंट अगर कमनी है और वो कंपनी वो पैसा जो डिविडेंड मिला है वो अपनी इनकम में जोड़ के खुद डिविडेंड बांटती है तो हो सकता है कि उसको इसके ऊपर डिविडेंड टैक्स देने से छूट मिल जाए तो ऐसा होता है कि सब्सिडी ने मुझे सौ रुपये डिविडेंड दिया और मैंने इस साल एक सौ पचास रुपये डिविडेंड दिया तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पर क्या होगा मुझे जो सौ रुपये मिले अगर मैं उस पर टैक्स दे रहा हूँ और फिर मैं आगे एक सौ पचास रुपये डिविडें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और वो मेरे इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को जा रहा है उन पर एक सौ पचास पे टैक्स लग रहा है जबकि वो एक सौ पचास में सौ तो सब्सिडरी से ही मिला था तो कैश केडिंग को अवॉइड करने के लिए कहा गया है कि यहाँ पे फिर आपको सौ रुपये पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है तो ठीक है नहीं है तो नहीं है बढ़िया है कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे टैक्स का एक्सपेंस बुक नहीं करेंगे बस यही और कुछ नहीं तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आपको इसमें घुसना चाहिए इतना सफिशियंट अभी एग्जाम के लिए एंड इसके साथ बस मेरी शुभकामनाएं आपके लिए ये सब जो शेयर करना था ये यहाँ पे दे दिया है डिटेल वन वन सिक्स का लेक्चर आपके गूगल ड्राइव पर यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है एस सच मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आप देख सकते हो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कोई भी मेरे लायक अगर के पास क्वेरी हो जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ नाइन टू ट्रिपल जीरो सेवन नाइन ट्रिपल जीरो पर आप शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम डू वेरी 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 वेल आई एम श्योर दिस वेरी टफ टाइम्स विच हैड फॉर एवरीबडी And uh, now, since we have a target in uh, life uh, which is our exam, this is a good thing to know that at least there is something which is keeping our mind busy into it and something productive. So, wish you all the very best and I hope ki you be in the best of your health, uh, you be safe uh, despite the fact that things are safe, you be careful about it, but you don't have to be concerned about it. And uh, may all your preparations, whatever you have done, just focus on that and give your best shot in the exam.